वेलकम इन दिस क्लास। और इस क्लास में आपको बताया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज बाय कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, ये अब हम लोग देखते हैं। तो दो ही केस हमें स्टडी करना है इसमें, तो लेट्स सी फर्स्ट स्टडी। और आवर फर्स्ट स्टडी इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड इनफाइनाइटी इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इच। जब हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं, जब हम कहाँ पर, ये ऑप्टिक सेंटर है हमारा सी और इनफाइनाइटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, तो हमारे को देखिए हम यहाँ रख देते हैं सी और इनफाइनाइटी के बीच में कहीं पर भी आप रखते हैं, तो कहा जा रहा है कि आपका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक पैरेलल रे हम क्या करेंगे, आपको इसके टिप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे टकराएगी आपके इस किससे, इस कॉनकेव लेंस से। ये जो कॉनकेव लेंस है, इस कॉनकेव लेंस से अब टकराने के बाद ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, तो किधर, ये डाइवर्ट कर जाएगी और ये देखिए इस तरह से ये दूर भागेगी, है ना। तो ये हमारा रिफ्रैक्ट किया, जैसे ही पैरेलल रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट किया तो वो रिफ्रैक्ट कर गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर। अब इस रे को पीछे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो ये जिस पॉइंट पर मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वह पॉइंट होता है आपका एफ, फोकस, ठीक है, दैट पॉइंट इज फोकस। दूसरा एक रे हम लोग ड्रैग करते हैं जो कि हमारे को ये जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर और ये आपका ऑब्जेक्ट का टिप है, इन दोनों को जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। तो चलिए एक दूसरी रे इंसिडेंट कर रही है और ये रे जो इंसिडेंट कर रही है ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ठीक है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है उसमें आपको डेविएशन नहीं होता है, ये तो हम लोग जानते ही है, सीधे गुजर जाएगी। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ बना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा, इसका आपका इमेज बना, ये इमेज जो है हमारे को यहीं पर बन गया। तो इमेज जो हमारे को जो बनेगा वो हमारे को सेम साइड बना, कहाँ बना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही बना, ठीक है। और कहाँ बना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड एफ। दूसरा हमारे को इमेज जो बनता है वह बनता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस एफ, फोकस पॉइंट एफ, ठीक है, फोकस एफ के मध्य में बना, सी और एफ के मध्य में। और तीसरा ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो ये वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनेगा और ये क्या होगा, सीधा रहेगा। और चौथा इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट की तुलना में, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, क्लियर, ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनता है, क्या बनता है, छोटा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यदि हम ऑप्टिकल सेंटर सी और इनफाइनाइटी के मध्य में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो हमारे को बनता है आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर सी के मध्य में, क्लियर है। अब सेकंड हम लोग केस देखते हैं, सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइटी पर है कॉनकेव लेंस से, तब इमेज कहाँ पर बनेगा, तो द इमेज फॉर्म्ड इज, इनफाइनाइटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज हमारे को कहाँ बनता है ये देखते हैं। तो कोई बहुत दूर आपका मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने खींचा ये बहुत दूर है आपको, तो बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट है और वहां पर आपका
और वहां से कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है और वहां से एक रे है जो कि आ रही है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, पैरेलल रे आ रही है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आ करके इंक्लाइन करेगी। जब वह इंक्लाइन करेगी तो वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ट कर जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगी, जिसके चलते आपको इसको जब हम पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जो है रे हमें फोकस पर आकर के मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फोकस पर, क्लियर है। दूसरा रे हम लोग जो बहुत दूर में जो ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत दूर है ना, तो पूरे आपको लेंस पर ही उसकी छाया पड़ेगी लगभग, तो ये दूसरा रे उससे आया और वो भी आपका क्या होगा, डाइवर्ट कर गया, भाग गया। तो इस डाइवर्जिंग रे का अगर हम पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये भी आपका फोकस एप पर ही आकर के मिलता है, ठीक है। यानी जो हमारे को इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, F1 पर इमेज जो बनेगा वो हमारे को कहाँ बन रहा है, F1 पर बनेगा, और बहुत बहुत छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट की तुलना में, जितना दूर जाइएगा उतना ही छोटा इमेज हमारे को बनेगा। यानी इमेज जो फॉर्मड होगा वो कहाँ बनेगा, A एट द फोकस। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइटी पर है तो इमेज बनता है कहाँ, फोकस पर, और कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज होगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और सेम साइड बनेगा, है ना, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड में आपका इमेज भी बनेगा, यानी सेम साइड बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल है और बहुत छोटा बनेगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारे को इमेज भी है वह छोटा बनता है कॉनकेव लेंस में, ओके। तो हमने देखा कॉनकेव लेंस में दो केस स्टडी किया, एक तो आपका जब ऑप्टिकल सेंटर सी और इनफाइनाइटी के मध्य में है तो इमेज बनता है हमको कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस के मध्य में, डिमिनिश्ड, छोटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यदि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइटी पर है तो इमेज फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी इमेज हमेशा आपका जो कॉनकेव लेंस है उस कॉनकेव लेंस में ऑलवेज बनता है कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट, क्लियर है। तो एक सवाल मन में है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्केव लेंस विदाउट टचिंग देम। दो लेंस आपको मिलता है, एक है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉन्केव, और आपको कह रहे हैं कि उसे बिना देखे हुए बताइए, सॉरी देखना तो है लेकिन छूना नहीं है, डोंट टच, विदाउट टच, बिना टच किए हुए आप बताइए कि कौन सा लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉन्केव लेंस है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप पकड़ लेंगे, तो आप दोनों लेंस को क्या करेंगे, हाथ में लेंगे और जो अपना बुक है उसे देखेंगे, बुक पर जो लिखी हुई चीजें हैं उसे देखेंगे। यदि वह लेंस जिससे कि आपको बुक पर जो लिखा हुआ चीज है बड़ा दिखाई दे, है ना, मैग्नीफाई हो जाए और वो बड़ा दिखाई देने लगे, तो उसका मतलब वह लेंस जो होगा वह हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, नेचर है कि वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है, और जिस लेंस से बड़ा नहीं हो तो वह लेंस हमारा क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस के द्वारा हमेशा जो इमेज बनता है वह डिमिनिश्ड ही बनता है, है ना। तो इस आधार पर हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे, है ना, कि कौन सा लेंस हमारा कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉन्केव है। तो हम कह सकते हैं वी कीप द लेंस क्लोज टू द पेज, पेज के क्लोज में हम लेंस को लाएंगे, ऑफ अ बुक एंड सी द इमेज, एंड सी द इमेज, और इमेज को देखेंगे, है ना, ऑफ द राइटिंग ऑफ द बुक, राइटिंग ऑफ द बुक, राइटिंग ऑफ द बुक को देखेंगे थ्रू
इट इनसे, थ्रू इट। क्लियर है? इफ द लेटर्स, यदि लेटर्स जो है, इफ द लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर्स, ऑफ द बुक अपीयर इनलार्ज्ड, अपीयर इनलार्ज्ड, यदि हमारा लेटर इनलार्ज्ड दिखाई दे, बड़ा दिखाई देगा, तब हम निश्चित कहेंगे कि वह कॉन्वेक्स लेंस है, देन इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? एंड इफ द लेटर्स अपीयर, द लेटर्स अपीयर डिमिनिश्ड, और यदि लेटर छोटा दिखाई देगा तो वो क्या होगा हमारे को, डिमिनिश्ड, तब वह हमारे को कॉनकेव लेंस होगा, देन इट इज अ कॉनकेव लेंस। तो यह एक सिंपल तरीका है कि हम लेटर को पकड़ करके देख लेंगे कौन किससे बड़ा दिखाई देता है और किससे छोटा। यदि बड़ा दिखाई दे रहा है तो हमारे को वो क्या है आपका, बड़ा दिखाई देगा तो कॉन्वेक्स लेंस, और छोटा दिखाई देगा तो क्या रहेगा, कॉनकेव लेंस रहेगा। सो सिंपल। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंसेज के उपयोग। तो छोटा दिखाई देता है तो आखिर इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहला तो इसका उपयोग होता है मायोपिया में, है ना। मायोपिया क्या है वो हम लोग अगले चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो स्पेक्टिकल्स बनाने में इसका यूज होता है, यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मे बनाने में यूज में लाए जाते हैं, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया हमें दृष्टि दोष होता है, ठीक है, उसे ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है मायोपिया, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा, अभी उसकी चर्चा नहीं करता हूं। और कॉनकेव लेंस जो है आपको आई लेंस की तरह यूज में लाए जाते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज्ड एज आई लेंस, आई लेंस की तरह यूज में लाए जाते हैं इन गैलीलियन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। तीसरा, और इसका यूज करते हैं हम लोग अपने घरों में, डोर्स में, बाहर से कोई आदमी आया है तो उसे बिना खोले हुए छिद्र के द्वारा जो देखते हैं ना, उस डोर में इसे लगाया जाता है। तो यूज्ड इन वाइड एंगल, वाइड एंगल साइफोल, साइफोल उसे कहते हैं, वाइड एंगल साइफोल इन डोर्स, डोर्स में उसका यूज किया जाता है, ताकि हम लोग अंदर से ही एक बहुत छोटे छेद से बाहर में कितने लोग हैं उसको देख सके, और उसके बाद चोर ना रहे, डकैत ना रहे, बदमाश ना रहे, तभी गेट खोलेंगे, है ना। तो ये सब यूजेज है कॉनकेव लेंसेज का, और कॉन्वेक्टिव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस के साथ जोड़ करके हम लोग हाईली क्वालिटी ऑप्टिकल सिस्टम्स भी बनाते हैं, है ना। तो कॉनकेव लेंस विथ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस के साथ यूज करते हैं, यूज्ड एंड टू मेक, और बनाते हैं क्या, हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम। और हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम बनाने के लिए हम लोग दोनों लेंस को जोड़ते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, और बनाते हैं। तो क्लियर है? तो इस तरह से कॉनकेव लेंस का भी बहुत उपयोग है, और बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।